हेलो फ्रेंड्स, किचन क्विंचन का स्वागत है। अभी पर्व का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी दीपावली है, तो हम लोग मिठाई बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे मूंग दाल का और एप्पल का हम बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाए हैं, और जो कि बहुत स्वादिष्ट है। रेसिपी एक है, लेकिन मिठाई दो तरह का, एक मावा भर के बनाए हैं, लेकिन मूंग दाल में ही बनाए। देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम बिल्कुल बाजार जैसा है। सिर्फ घर के सामान से ही बनाए हैं। छोटी कटोरी से आधा कम, 1 पाव हम लोग मूंग लिए हैं, 1 पाव से थोड़ा सा कम है। उसको अच्छा से फूलने दे दीजिए 3-4 घंटा के लिए। अच्छा से साफ़ कर देंगे जो कचरा है, साफ़ करके अच्छा से फ्रेश से देख लेंगे। हाँ, 2 एप्पल लिए छोटे छोटे, एप्पल के साथ ही इसे हमें पीसना है। इसका छिलका को पहले अच्छा तरह से हम लोग कट कर देंगे, निकाल देंगे। यानी इस तरह से एप्पल को कट कर दिए हैं। और चलिए इसको हम लोग मिक्सी में पीस देते हैं। हल्का सा दरदरा पीसिएगा, ज़्यादा महीन मत पीसिएगा, तो इसका बर्फी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। बिना पानी के हम लोग पीसेंगे, क्योंकि एप्पल में पानी निकलता है, और जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है एप्पल डालने से। इस तरह से हल्का सा दरदरा पीस के एक कटोरा में हम डालते जाएंगे सारे पेस्ट को। आज तक अपना ऐसा मिठाई नहीं खाया होगा, एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें। हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिए, जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स है वही दीजिएगा। सारे पेस्ट पिसा चुके हैं। यहाँ पर शुद्ध घी डाल के हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे, यानी भूनेंगे। या तो हल्का सा चूर दें, या फिर पतला पतला कट कर दें। मात्र 2 ही मिनट भूनना है। 2 मिनट जैसे ही हो जाएगा, हल्का सा कलर चेंज करना है, ताकि कुरकुरा हो जाए, यानी क्रिस्पी हो जाए। हल्का सा कलर चेंज हुआ, 2 मिनट हो गया। अब इसे सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लोग निकाल लेंगे। आप आपके पास है तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पर हम घी लेंगे, क्योंकि ये घी में बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा से घी दीजिएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। 4 बड़े चम्मच घी ले लिए हैं। घी को अच्छा से गर्म कर दिए हैं। खूब घी को एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना, घी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छा से पहले से हल्का सा सुसुम किए हैं, उसमें सारे ये डालते जाएंगे। मात्र 10 से 15 मिनट इसे भूनेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। 10-15 मिनट के अंदर ये भुना जाएगा, क्योंकि एक बार खा के टेस्ट कर लिए हैं तो एकदम बिल्कुल हरा हरा नहीं लग रहा खाने में। यदि इसका टेस्ट कीजिएगा तो थोड़ा मूंग मूंग का स्मेल आ जाएगा खाइएगा तो, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा से धीमा धीमा एकदम आँच पर ही भूनिएगा। आँच को कभी तेज़ मत कीजिएगा, जितना धीमा आँच में बुझाता है उतना ही अच्छा इसका बर्फी और मिठाई बनता है। इस तरह से मावा हम लोग लिए हैं, आधा कटोरी से थोड़ा सा कम है, यानी 1/2 पाव है। 1 पाव यहाँ दूध लिए हैं, घी इसमें बहुत सारा छाली है, छाली के साथ लिए हैं, क्योंकि जब इसमें ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे हम पानी नहीं डालेंगे, दूध डाल के ही इसको भूनते जाएंगे। दूध से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मावा बन जाएगा वो दूध। पहले से ही मावा हम रख दिए हैं डालने के लिए, और घर का ही मावा है। मावा बनाने का रेसिपी हम दिखा चुके हैं कि किस तरह से खोया बनाना चाहिए। दूध घाटते जाइएगा तो आपका ये अच्छा से मावा बन जाएगा, यानी खोया बन जाएगा। इस तरह से देखिए दरदरा दिख रहा है आपको, अच्छा से भुना रहा है। देखिए दानेदार दानेदार जैसा लग रहा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा से ये भुना रहा है। इस तरह बीच बीच में इसे भूनते जाएँ, उलट पुलट करते जाएँ धीमा धीमा आँच में। इसमें हल्का हल्का करके हम लोग दूध डालते जाएंगे। देखिए इसमें कितना सारा छाली है, छाली में हटाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। हरी मूंग का बर्फी बनाने का रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। यहाँ पर हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं, क्योंकि मूंग थोड़ा हरा होता है तो हरा दिखना चाहिए बर्फी, इसे हरा कलर में डाल रहे हैं। इस तरह से फूड कलर डाल देंगे ताकि अच्छा से मिक्स हो जाए। दूध डालने के बाद तुरंत इसे डाल दीजिएगा। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। बाजार में देखते हैं हमेशा फूड कलर डाल के खूबसूरत बनाता है, इसे सभी लोग देख के दूर से ही पसंद करते हैं और 1000 रुपये का मिठाई लेते हैं। मिठाई में बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह दिया हो रहा था, लेकिन घर का मिठाई बनाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए हेल्दी डिश रहेगा, और अच्छा से बना के खिला सकते हैं और कई दिनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। और जो मावा आपको दिखाए थे वो मावा डाल दिए हैं, और चीनी अपने स्वाद अनुसार डालें। फिर भी यहाँ पे हम 10 चम्मच चीनी यूज किए हैं, और 1/2 पाव मावा यूज किया नहीं, या खोवा में यूज किए हैं, और सिर्फ हम घर में ये बनाते हैं, बाज़ार से नहीं लेते हैं। अगर आपके पास खोवा नहीं है तो बाज़ार से मंगा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा से मिला देंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल चिपक नहीं रहा, क्योंकि चीनी से पानी छोड़ता है। धीमे धीमे हाथ में फिर ही भुनाते जाएगा अच्छा तरह से।
ईश्वर से अच्छा से मिलाते जाएं। आधा घंटा के अंदर ही बर्फी आपका बन के रेडी हो जाएगा। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब डाल दिए हैं, क्योंकि अंदर में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऊपर से भी सजाने के लिए बाद में हम लोग ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे। आपके पास हैं तो भी दो, नहीं है तो नहीं दें, कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वही डाल दें, बहुत ही अच्छा बनेगा और टेस्टी बनेगा। लेकिन घर के ही चीज़ से बनाएं। एप्पल डालने से एकदम नया स्वाद आया है। इस तरह से अच्छा से भून के हम लोग मिला देंगे। इसमें जायफल डालेंगे, थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे। जायफल ज़रूर डालिए, जाफर इसको कहा जाता है, मिठाई में डाला जाता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए दो है दालचीनी, एक जाफर है, लेकिन एक नहीं देना, आधा ही देना है घस के। अच्छे सात से छोटी इलायची देना है, बहुत अच्छा खुशबू आएगा। देखिए कलर एकदम चेंज हो चुका है, एकदम कम गया है। इस तरह से धीमा धीमा आँच में भुनने की वजह से हल्का सा चिपक रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा घी डाल देंगे, बिल्कुल जो चिपक गया है वो नहीं चिपकेगा, धीमा धीमा आँच पे भुनाते जाएगा। अगर आपके भी बनाने से ये चिपकता है तो हल्का सा गैस को बंद कर दीजिएगा। इस तरह से घस के जाफर दे रहे हैं, आधा से थोड़ा सा कम दिए हैं, जाफर दिखा दिया आपको। आधा दालचीनी का पाउडर बना के हम लोग दे देंगे और कुछ देर इसे भूनेंगे हम लोग 5 से 6 मिनट तक। छोटी इलायची डाल दी है, सभी को मिक्स करके अच्छा से भून लेंगे ताकि इसका टेस्ट एकदम अंदर और फ्लेवर अंदर तक चला जाए और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। बिल्कुल बाजार जैसा बर्फी आपको लगेगा, नो केमिकल, नो मैदा, सिर्फ हरा मूंग से बनाए हैं। और एप्पल, एप्पल तो फल होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एप्पल का हर चीज़ बनता है, केक वगैरह सभी चीज़, मिठाई वगैरह सब बनता है, रबड़ी वगैरह सब। और ठंडा हो चुका है हम लोग का मिश्रण, तब इसको हम लोग बटर पेपर पर डाल के इसको फैलाएंगे। अब आधा ही लेंगे, आधा रख देंगे साइड में कर देंगे। जब ठंडा हो जाए तभी बटर पेपर डालिएगा, गर्मा गर्मा डालिएगा, हाथ जलेगा। हल्का सा घी लगा लिए हैं ताकि हम लोग का ये जो बर्फी हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से फैला देंगे, मन चाह आकार में इसे काटिएगा। इस पर सिल्वर पेपर लगा देंगे थोड़ा सा, आपके पास सिल्वर पेपर है तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सब तरफ से फैला देंगे ताकि अच्छा से बर्फी के जैसा बन जाएगा। अभी इसको कट नहीं करेंगे, हल्का सा जमने के लिए छोड़ देंगे 4-5 घंटा के लिए। अगर फ्रिज में रखेंगे तो 1 घंटा में ही जम जाएगा, लेकिन हम इसे बाहर में रख के छोड़ दिए हैं अभी, क्योंकि ठंडा थोड़ा हल्का हल्का है तो ये जम जाएगा अच्छा से काफ़ी। इस तरह से मनचाह आकार दे दीजिएगा। इस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, पतला पतला बेल देंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, मीडियम साइज में बेलना है ताकि बर्फ़ी जैसा लगे। मोटा मोटा थोड़ा अच्छा से इस तरह से सरकुट कर देंगे, हल्का जो साइड में निकला उसको मिला देंगे हम लोग चाकू की सहायता से। आप इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन कट करने से थोड़ा सा सेब बिगड़ जाएगा, इसलिए इसी में मिला देंगे, सेब बना देंगे, उसके बाद अच्छा से बेल देंगे। इस तरह से देखिए एकदम चरकुट कर देंगे। जो ड्राई फ्रूट्स है आपके पास वो डाल दें, पिस्ता बादाम या काजू डाल दिए हैं, थोड़ा सा हम लोग सीड्स भी डाल रहे हैं, खरबूज का बीज या थोड़ा सा पम्पकिन का बीज डाल दे रहे हैं, इसे बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा दिखने में लगेगा। बच्चे बड़े सभी लोग इसे इंजॉय करेंगे, खाएँगे। इस तरह से डालने के बाद हल्का सा बेलन चला दीजिएगा तो सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर तक चले जाएंगे। ये देखिए कुछ बीज हैं वो डाल दे रहे हैं, इन्हीं सी चीज़ को छिड़क देते हैं बाजार में, काफ़ी महंगा बेचते हैं वो, 1000 रुपये किलो का मिठाई बेचते हैं। इस तरह से हल्का सा बेलन से हल्का हल्का हाथों से दबा दीजिएगा, सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर चले जाएंगे और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा एकदम। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, सभी लोग बर्फी बनाते हैं लेकिन एप्पल डाल के कोई नहीं बनाता है। इस तरह से आप खा सकते हैं पूरे परिवार के साथ। इसमें थोड़ा सा सिल्वर पेपर लगा दे रहे हैं हम, इसी बिल्कुल बाजार जैसा लुक लगेगा देखने में, एकदम बेहद खूबसूरत। सिल्वर पेपर थोड़ा सावधानी से लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत ही जल्दी हाथ में चिपक जाता है। कागज़ को पकड़ के ही लगाइएगा, हल्का सा टच कीजिएगा तो बिल्कुल हाथ में चिपक जाता है। एक और मावा है आधा पाव, इसमें हल्का सा हम लोग खोया रखे थे जिसको भरने में काम देगा। एक पाव खोवा था तो आधा नाम बांट दिए हैं। हल्का सा हम लोग हल्दी कलर का यहाँ पर डाल रहे हैं, फूड कलर, अच्छा से मिला देंगे। ज़्यादा नहीं डाले हैं, मात्र 2 ही बूंद डाले हैं ताकि इसका कलर एकदम चेंज हो जाए। इस तरह से मिला दीजिएगा तो बिल्कुल बाजार जैसा देखने में लगेगा इसका। देखिए बाजार जैसा बिल्कुल कलर आ गया हल्दी कलर, इसमें हम लोग भर देंगे इस तरह से। और फिर से जितना हम लोग का बच गया था मूंग दाल का पेस्ट उसमें फैला देंगे बटर पेपर पर, अच्छा से बेल देंगे रोटी की तरह।
सिर्फ मूंग दाल एप्पल से दो तरह का आप अच्छा से मिठाई बना सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं आप, क्योंकि दीपावली है, सभी लोग बाज़ार से एकदम तरह तरह की मिठाई लाते हैं और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है वही देख के लोग लाते हैं। इस तरह से एकदम हल्का हल्का हाथ से दबा दबा के बेलिएगा, ज़्यादा बिल्कुल ताकत मत लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा बेला जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए जब भी बेलें तो हल्का हल्का हाथों से बेलें, क्योंकि अंदर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दिया हुआ है फट जाएगा, ज़्यादा कस के बेलिएगा तो अच्छा से स्वाद आ जाएगा। इस तरह से हल्का हल्का हम लोग गोला बनाएंगे, इसको दो भाग में हम बांट दिए हैं और पतला पतला करके गोला इसको फैला देंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है खोया, इसलिए इस तरह से हो रहा है। अब इसको रोल करेंगे हम लोग अच्छा तरह से, इस तरह से धीरे धीरे करके रोल करते जाएंगे ताकि अच्छा से मिल जाए, एक दूसरे में चिपक जाए। धीरे 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 करके बेलन हम लोग को गोला करते जाना है। देखने में थोड़ा मोटा लग रहा था, इसको पतला बीच से हम लोग कट कर देंगे। अब देखिए चाकू की सहायता से इसे कट कर देंगे, तब पतला करेंगे एकदम, एक साइड को हटा देंगे। इसी तरह से बीच से हम लोग हल्का हाथों से एकदम दबा दबा के इसको लंबा करना है, लंबा करिएगा तो बीच का मिठाई बहुत ही खूबसूरत बनेगा। इस तरह से देखिए एकदम पतला पतला करना है दोनों हाथों से, जितना अच्छा से इसको हो सके पतला करते जाइए, क्योंकि बिल्कुल बाजार जैसा लगने लगे देखने में, एकदम पतला कर दीजिए, फैला के लंबा कर दीजिए। इसके अंदर मावा भरा हुआ इसलिए एकदम धीमा धीमा कीजिएगा। इसमें सिल्वर पेपर लगा देंगे ताकि एकदम बिल्कुल बाजार जैसा लुक इसका हो जाए, देखने में बेहद खूबसूरत लगे और खाने में उतना ही टेस्टी लगे, क्योंकि बच्चे आपके कहेंगे ही नहीं कि बाज़ार का नहीं है, उन्हें तो लगेगा कि बाज़ार से लाए हैं। इस तरह से हम लोग हल्का हल्का हाथों से इसे रोल करके घुमाते जाएंगे ताकि इसमें सारे सिल्वर पेपर लग जाए, अच्छा से चिपक जाए। इस तरह से एकदम सावधानी से लगाते जाएं, देखिए इस तरह से चिपक गया है तो निकाल रहे हैं, देखिए हल्का से निकल भी रहा है। फिर से अच्छा तरह से इसे हम लोग लगा देंगे, इस तरह से देखिए लपेट दिए हैं, अच्छा से सिल्वर पेपर लग चुका है। इसी तरह से करके हम चार गो रोल बना चुके हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दिए हैं और अच्छा से ठंडा हो चुका है, जम चुका है, तब आपको दिखा रहे हैं पलट के। इसको अच्छा से डिजाइन से हम कट करेंगे, ठंडा हो गया है तो 4 घंटा में अच्छा तरह से ठंडा हो गया, फ्रिज में रखिएगा तो 1 ही घंटा में ठंडा हो जाएगा। अब चलिए इसे हम लोग कट कर देते हैं, मनचाहा आकार में इसे कट करें। इस तरह से हम लोग कट कर रहे हैं, बर्फी का आकार दे रहे हैं, आपको जो इच्छा वैसा कट करें। देखिए इस तरह से हम बर्फी का आकार दे दिए हैं, आपको जो अच्छा डिजाइन लगे वो आप दे सकते हैं, लेकिन मिठाई वैसा ही रहेगा, एकदम टेस्टी और बिल्कुल यूनिक। अब आपको दिखा रहे हैं कट करके, देखिए कितना सुंदर से कट हो चुका है। चलिए सजा के आपको दिखा देते हैं, इस तरह से एक एक पीस सजा देंगे। अब सारे इस तरह से सजा चुके हैं, अब चलिए इसको भी कट करके देखते हैं, क्योंकि ये भी जम चुका है। अब बिल्कुल आपको बाजार जैसा लगेगा, देखने में बेहद ही खूबसूरत। अब चलिए कट कर रहे हैं, देखिए एकदम आसानी से कट हो रहा है, अब बिल्कुल टूट नहीं रहा है, देखिए कितना खूबसूरत कलर भी आया है। देखिए इस तरह से सारे कट कर देंगे, इस तरह से सजा दिए हैं, इसी तरह से आप भी सजाएं, एंजॉय करें, पूरे परिवार के साथ खाएं। अब आपको हम खा के दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत। चलिए अब आपको खा के दिखाते हैं, एकदम बेहद सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसी तरह से बनाएं और एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको मिठाई कैसा लगा है। दिवाली स्पेशल मिठाई है, एकदम बिल्कुल बाजार जैसा है, इसी तरह से बनाइए।